हेलो एवरीवन, कुकिंग विद पूजा में आपका तहे दिल से स्वागत है। आज मैं अचारी तड़का बना रही हूँ। इसके लिए अरहर की दाल और मूंग की दाल लें और इसे 2 घंटे के लिए फुला दें। अब प्याज महीन चॉप किए हुए, हरी मिर्ची, टमाटर, लहसुन पत्ती, धनिया पत्ती और लहसुन कढ़ाई में तेल गर्म होने के लिए रखें। जब तेल अच्छे से गर्म हो जाए तो इसमें सूखी लाल मिर्ची और 5 फ़ोरन डालें और डाल के इसे अच्छे से कड़कने के लिए दें। अब इसमें हम लहसुन डालेंगे, लहसुन की पत्ती दें, लहसुन डालें और इसे थोड़ी देर के लिए भूंज लें। हल्की सी खुशबू आने तक इसे फ्राई करें। अब इसमें हम कटिंग किए हुए प्याज डालेंगे और इसे भी अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। इसे भी गोल्डन होने तक अच्छे से फ्राई कर लें। अब इसमें हम हरी मिर्ची डालेंगे, हरी मिर्ची डाल के भी इसे भूंज लें अच्छे से। ये तड़का खाने में काफ़ी यमी है, एक बार ज़रूर इस तरह से बना के आप ट्राई करें। ये फ्राइड राइस के साथ, प्लेन चावल के साथ, रोटी के साथ, सबके साथ सर्व कर सकते हैं इसे। अब हम मूंग की दाल और अरहर की दाल को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। थोड़ी देर 10 मिनट के लिए फ्राई करें। इसमें धनिया पाउडर 1 चम्मच, स्वाद अनुसार नमक, अरहर दाल आधी कटोरी और अरहर दाल 1 कटोरी और मूंग की दाल आधी कटोरी लेनी है। इसमें हल्दी और कश्मीरी लाल मिर्ची डालेंगे और इसे अच्छे से रोस्ट कर लेंगे हम। इसे 10 मिनट के लिए अच्छे से भूंज लें। अब हम इसमें टमाटर डालेंगे और टमाटर डाल के भी इसे अच्छे से फ्राई कर ले। इसे मिनिमम 10 मिनट के लिए इसी तरीके से भूंजना है। अब इसमें हम बटर देंगे 1 चम्मच। आपके पास बटर नहीं हो तो आप घी भी दे सकते हैं और इसे अच्छे से रोस्ट कर ले। अब इसमें हम पानी डाल देंगे और पानी डाल के इसे अच्छे से, जब तक ये दाल अच्छे से गल ना जाए, जब तक इसे ढक के हम पकाएंगे। इसे अब हम पकने के लिए रख देंगे। ये 20-25 मिनट में रेडी हो जाएगी ये दाल। ये दाल हमारी रेडी है। अब इसमें हम धनिया का पत्ती डालेंगे, धनिया की पत्ती देके इसे अच्छे से मिक्स कर दें। अब हम इसमें तड़का लगाएंगे। ये दाल हमारी रेडी है। ये आम के अचार का तेल है, इसे हम कढ़ाई में डालेंगे। इसमें थोड़ा सा जीरा दें और इसे